ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। देश के करोड़ों किसान खातिर राहत के खबर लेके आए हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी का बजट जारी की गई और जोने में बता दें कि किसानन खातिर बड़ी राहत दी जा सकती थी। वह पूरी संभावना जताई जा रही है कि किसानन का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रकम जो है ओके तहत जो मिले वाला पैसा है ओमा बढ़ोतरी की जा सकती थी। 13वीं किस्त से पहले बता दें कि यह सौगात देश के किसानन का मिल सकती थी। तो विद्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजन इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि 13वीं किस्त जारी होने से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 12.5 करोड़ किसान के खातिर या राहत की खबर आई है। बता दें कि बजट सत्र 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किसानन का बड़ा तोहफा दीन जा सकत है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ए बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राशि में बढ़ोतरी कह सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अगर माना जाए तो ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करे खातिर आगामी चुनाव के मद्देनजर किसान सम्मान निधि के राशि में 2000 रुपया के और बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि अब तक किसान का जो 6000 रुपया की राशि मिल रही है बढ़ाए के 8000 रुपया तक की जा सकत है। बता दें कि यह राशि 3 किस्तन के बजाय 4 किस्तन में 3 महीना में दी जा सकती है। एक लाभ 1 अप्रैल 2023 से किसानन का मिल सकत है। हालांकि सरकार के तरफ से अब इस संबंध में कोलोमेर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह संभावना जताई जा रही है कि बजट के सत्र में बता दें कि बजट के दौरान यह किसानन का सौगात मिल सकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के बड़ी योजना है जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा किसानन का 6000 रुपया 1 साल में 3 किस्तन के जरिए दी जाती है। यह पैसा वो किसानन का मिलत है जिनके लगे 2 हेक्टेयर तक के जमीन ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बता दें कि किसानन के सीधा खाता में यह पैसा सरकार के द्वारा डाला जाते हैं। अब तक किसानन का 12 किस्त बता दें कि योजना के तहत दी जा चुकी है। किसानन का 13वीं किस्त के इंतजार है और 13वीं किस्त से पहले बता दें कि यह बड़ी सौगात सरकार के द्वारा किसानन का मिल सका थी। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। तो और आ गए चलते यार, वैसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।